जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जान लेते हैं एक नई भर्ती के बारे में। दोस्तों लेखपाल की एक नई भर्ती के बारे में। दोस्तों अभी जो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जो 7720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए थे, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने 4700 नए पदों भरने के लिए घोषणा कर दी है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में। दोस्तों के जैसा कि आप देख रहे हैं, लेखपालों के अब 4700 और पद भरे जाएंगे। योगी जी ने कहा है कि 4700 और नए पद भरे जाएंगे। उन्होंने अभी हाल ही में 7720 लेखपालों को वितरित किए थे नियुक्ति पत्र, और नियुक्ति पत्र देने के तुरंत बाद कहा था कि फिर से 4700 नए पद और भर जाएंगे, क्योंकि लेखपालों की काफ़ी कमी चल रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि भर्ती किस प्रकार से होने वाली, कब इसके आवेदन होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी भर्तियों की जानकारी समय से मिले और समय से आप आवेदन कर सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी सूचना आपको समय से मिलती रहें। तो दोस्तों जान लेते हैं इस अखबार की कटिंग के माध्यम से कि कब ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है और क्या क्या इस भर्ती के बारे में दिया है। तो दोस्तों जान लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में नव चिन्हित 7720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा है कि लेखपाल के 4700 और पदों पर भी शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, इसके लिए आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 7720 जो नियुक्त लेखपाल हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि 4700 और अभी पद भरे जाएंगे, इसके लिए उन्होंने बोर्ड के लिए अधियाचन भेज दिया है। जल्दी ये जो आवेदन है ये ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करें भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही लेखपालों की कमी ख़त्म हो जाएगी, यानी 4700 और पद अगर पूरे हो जाते हैं तो लेखपालों की जो कमी है पूरी हो जाएगी। नव चिन्हित लेखपालों से ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ ड्यूटी करने का आह्वान भी किया गया है, यानी कि जो लेखपाल होंगे उनसे पारदर्शिता और ईमानदारी से ड्यूटी करने का उन्होंने आह्वान किया है कि अच्छे और ईमानदारी से आप ड्यूटी करें। और साथ ही बात कर लेते हैं, योगी ने सीएम महोदय योगी जी ने नव चिन्हित लेखपालों से कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया ईमानदारी व पारदर्शी के साथ संपन्न हुई है, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। यानी जो भर्ती हुई थी लेखपाल की वो ईमानदारी के साथ हुई है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी धांधलेबाजी या किसी प्रकार की कोई भी गलत प्रक्रिया नहीं हुई है, वो ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से हुई है। उन्होंने कहा है कि कोई भेदभाव नहीं हुआ है, ऐसे में यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए विशेष काम करें। जाति निवास में आय प्रमाण पत्र के लिए जो समय सीमा तय की गई है उसमें वह काम पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी प्रकार के किसानों के ज़मीन का काम हो या जाति प्रमाण पत्र हो या कोई भी अन्य काम हो, उसे कम समय में या दिया जो मानक समय जो होता है उस समय के अंदर आपको करना चाहिए। किसी प्रकार कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा है कि बरसात, नामतरण, पैमाइश और भू उपयोग से जुड़ी कार्रवाई समय से पूरी हो, यानी कि जो किसानों की ज़मीन है, पैमाइश है या पट्टा है, किसी भी प्रकार की कोई भी ज़मीनी काम है वो समय से पूरा होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, लोगों के बीच में आपकी अच्छी छवि बने और लेखपाल के नाम से लोग घबराए नहीं, यानी कि लोग घबराते हैं कि लेखपाल आएगा, पैसे लेट लेगा या फिर हमारी ज़मीन किसी और को दे देगा। तो आप इस प्रकार की छवि ना होनी चाहिए, ईमानदारी से आप काम करें। आगे बात कर लेते हैं, सीएम ने कहा है कि 1-2 फीट जगह के लिए हिंसक घटनाएं होती हैं, अगर समय पर पैमाइश करके सीमांकन कर लें तो कोई विवाद नहीं होगा, यानी कि जो ज़मीनी विवाद होता है उसमें 1-2 फीट पर ही लड़ाइयां हो जाती हैं, गोली चल जाती हैं। तो इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो, उस प्रकार की घटना को तुरंत निवारण किया जाए, तुरंत उसको पूरा किया जाए, किसी प्रकार की कोई लापरवाही उसमें ना छोड़ी जाए। आगे बात कर ले, कोई दबंग भूमि माफिया सरकारी या गरीब की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं तो वहां एंटी भू माफिया टास्क के साथ जाकर कार्रवाई करें, यानी कोई अगर माफिया है या फिर कोई गरीब की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है तो वहां पर आप एंटी माफिया टास्क का प्रयोग करें, वहां फोर्स को लेकर जाएं और कार्रवाई अपनी पूरी करें, किसी प्रकार की किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि फोर्स के साथ जाएं और कार्रवाई ईमानदारी से करें। आगे बात कर लेते, कहीं पर निवेश के लिए कोई प्रस्ताव आया है तो उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा दें, बाढ़ जैसी आपदा में समय पर लोगों को राहत दे दें। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी
सरकारी प्रस्ताव है तो उसको भी तरीके से करें और बाढ़ जैसी आपदा पर लोगों को राहत दें। और साथ ही उन्होंने कहा है कि राजस्व की पूरी व्यवस्था ही डिजिटाइज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर परंपरागत रूप से ग्राम समाज की आबादी की जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है तो उसकी ज़मीन का मालिकाना हक उसे घरौनी के माध्यम से मिल सके। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से यदि आबादी ज़मीन जो होती हैं पर अगर उसे समाज की आबादी वाली ज़मीन पर अगर कोई मकान बनाकर व्यक्ति रह रहा है तो उसको मालिकाना हक उसे मिले ताकि वो उसे किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही आगे बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा है कि उसे घरौनी के माध्यम से मिल सके, इसके लिए अब तक 63 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने ये व्यवस्था दी है। यानी कि जो ग्राम समाज की ज़मीन पर घर बनाकर रहते हैं तो उनको उनकी व्यवस्था वहीं पर की जाए। अब तक 63 लाख ऐसे लोग हैं जिनको ये व्यवस्था दी गई है, उन्हें वहीं रहने का अधिकार मिला है। आगे बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा है कि दे दी है इस वर्ष के अंत तक सभी 1.25 करोड़ परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करा देंगे। यानी कि ऐसे और भी लोग हैं उनके लिए भी सुविधा मिलेगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो वहाँ रहने पर। तो उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है सीएम महोदय ने। हर सभी कार्यों पर नज़र अपनी जमाई है, सभी के लिए अच्छा काम करने के लिए आदेश दिए हैं, गरीबों के हित में काम करने के लिए आदेश दिए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। और दोस्तों और बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा है कि पहले जो भर्तियां होती थी उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि जो पहले भर्तियां निकलते ही ख़ानदान के लिए आवंटित हो जाते थे जिले, यानी जो पहले भर्तियां निकलती थी वो पूरे ख़ानदान के लिए आवंटित हो जाती थी। इसके लिए उन्होंने कहा है, तो देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है इसमें। तो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2017 से पहले की तस्वीर सबने देखी है, लेखपाल के आधे पद खाली पड़े थे क्योंकि भर्ती नहीं होती थी, भर्ती की प्रक्रिया में तमाम हॉल छिद्र थे, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। यानी कि जो पहले भर्ती होती थी उनमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की घटना होती थी। आगे बात कर लें, पूरे ख़ानदान के लिए ज़िले आवंटित हो जाते थे, कुछ ज़िलों की छवि तो ऐसी बना दी गई थी कि लोगों ने नौकरी की बात तो दूर होटल और धर्मशाला में भी जगह नहीं देते थे। यह नए उत्तर प्रदेश का नया युवा है, इसकी प्रतिभा का लोहा दुनिया मान रही है। उन्होंने कहा है कि पहले की सरकार की नीयत साफ नहीं थी, कोर्ट से शर्ट होते थे और दलालों बे गुर्गों की जेब में पैसा जाता था, जबकि पिछले साल 7 वर्ष में 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। यानी कि जो पहली जो सरकारें थीं उनके ऊपर उन्होंने कहा है। और आगे बात कर लेते हैं, सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब तक हमारी सरकार लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतार चुकी है, करीब 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की कार्रवाई चल रही है, अभी और कार्रवाई चल रही है। इस तरह प्रदेश में 1 करोड़ 62 लाख युवाओं को अपने ही ज़िले में नौकरी की संभावनाएं उपलब्ध कराई हैं। और साथ ही बात कर लेते हैं कि कार्यक्रम में राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव राष्ट्र पी गुरु प्रसाद भी मौजूद थे। जब आवंटित जो लेखपालों के लिए जब सीएम महोदय नियुक्ति पत्र आवंटित कर रहे थे तो सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं तो ये नियुक्ति पत्र सीएम महोदय दे रहे हैं। और जैसे कि यहाँ लिखा है कि लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे। मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे, वहाँ जो मंत्री सुरेश खन्ना है वो भी मौजूद रहे, उन्होंने सभी के लिए जो नियुक्ति पत्र बांटे थे। और आगे बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा है कि कामयाब नहीं हुए रोड़ा अटकाने वाले, यानी जो रोड़ा अटकाते थे वो कामयाब नहीं हुए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया था। चयन आयोग की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आयोग ने संपन्न की, इसके बावजूद नियुक्ति पत्र वितरण में भी रोड़े अटकाने के कार्य हुए, लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला अपने पक्ष में करके आज आज 7720 नवनियुक्त युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो पहले भर्ती होती थी उसके हिसाब से अब की बार ईमानदारी और बढ़िया तरीके से भर्तियां हो रही हैं और सभी जो लेखपाल हैं उनके लिए नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और साथ ही 4700 नए पद की घोषणा फिर से कर दी है। और दोस्तों जल्दी ये भर्ती आपकी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी भर्तियों की जानकारी आपको समय से मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी भर्तियों की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।